वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज मैं बताने वाला हूं स्लैम के बारे में। आप देख रहे हो हजरा लाइव। जीपीआरएस के बारे में आपने सुने होंगे, अब बताने वाला हूं स्लैम के बारे में। जैसे जीपीआरएस में बहुत सारे जो एग्जैक्ट मतलब फिगर आउट नहीं करते, अगर कार किसी रास्ते से जा रहा है तो आसपास जो कितने मीटर के अंदर है तो बता देगा, बट एग्जैक्ट कहाँ पे है पता नहीं चलेगा। फिर भी आउटडोर में जो जीपीआरएस अच्छी तरह से काम करता है, बट जो इंडोर जैसे किसी मैं घर पे हूँ या फिर कोई पानी के जो नीचे है वहां पे अगर किसी को चेक करना हो, जीपीआरएस एग्जैक्ट काम नहीं करता। हमें चाहिए, जैसे हमें अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जैसे आपको पता ही होगा सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहा है, जिसको मतलब कोई ड्राइविंग नहीं करेगा, कार ऑटोमेटिकली रास्ते देख के जाएगा। ग्रो करते करते जैसे रोबोट आएगा तो ये सारे जो उसका अपना खुद का लोकेशन कैसे मापेगा एग्जैक्ट कहाँ पे है। जैसे मैं इस रूम पे कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ तो कैसे पता चलेगा, ये तो जीपीआरएस काम करके नहीं देगा। तो इसी वजह से बनाया गया है स्लैम को। तो स्लैम कैसे काम करता है, जैसे जैसे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार हो तो जब रास्ते से जाएगा पूरा चारों ओर, जहाँ पे आप चारों ओर उसका स्कैन करेगा, जहाँ से जा रहा है चारों ओर स्कैन करेगा उसको, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे पूरा आसपास पूरा डिटेल एनालाइज करेगा। डिटेल्स पूरा जो कैमरा लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, जो सारे उसके पास बहुत सारे तरह तरह का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, सब मिलके एक पूरा जो उसका चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है तो पूरा चेक करेगा। चेक करके फिर उसका डिटेल्स कहाँ पे लोकेशन है बताएगा। एक कुत्ता जा रहा है उसको भी देख लिया, कुत्ता कहाँ पे है या फिर पेड़ कहाँ पे है, साइड से कौन सा गाड़ी जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी दिखेगा सबको स्कैन करेगा। स्कैन करके उसका जो लोकेशन होगा वो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो इसी वजह से ऐसे स्लैम को बनाया गया है। जैसे किसी घर पे हम रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, बट अगर लाइट भी चला जाए फिर भी हम लोग का जो माइंड है वो पता है इस साइड में सोफा होगा, इस साइड में बेड होगा, या फिर आगे थोड़ा आगे जाके दरवाजा होगा। तो इसी तरह से हमें पता चल जाता है, बट जो एक मशीन को कैसे पता चलेगा, और मशीन यहाँ से वहाँ जाएगा तो उसका तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो अपने आप जब काम करेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहले क्या करता है, जैसे एक रोबोट है तो इस घर का रखवाली करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, पूरा घर को एनालाइज करेगा, पूरा घर को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद तो वो आसानी से निगरानी कर सकता है। अगर कोई आएगा भी फिर भी वो जो स्कैन करेगा तब पता चलेगा यार यहाँ पे तो ये नहीं था, यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से पूरा जो बहुत सारे जो अभी सेल्फ ड्राइविंग कार बन रहा है या फिर बहुत सारे रोबो बन रहा है तो सब में ये यूज हो रहा है, पूरा जो स्लैम है काम करता है। और आगे जाके हर किसी डिवाइस में स्लैम लगने वाला है, हमारे सेलफोन में भी आ जाएगा। घर में जो बड़े है जैसे हमका मम्मी पापा या फिर कोई भी, और उनसे अगर पूछा जाता 20 साल पहले किसी ने अगर पूछता स्मार्टफोन से जीपीआरएस यूएस अमेरिका हर जगह पे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी दोस्ती कर सकते हो या फिर वीडियो कॉलिंग में बात कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होता सकता, ये नहीं हो सकता। तो अब सोच सकते हो यार हमें कितना आगे का सोचना चाहिए, और हमें अगर ग्रो करना है या फिर हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो हमें भी बहुत आगे का सोचना चाहिए। ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर कोई क्वेश्चन हो या वीडियो कैसा लगा आप लिख सकते हो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब करते फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। ओके बाय।